नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर। आज आपको डेली रूटीन का जो खाना होता है उसमें हम कढ़ी चावल या कढ़ी रोटी, कई तरह की कढ़ी बनाते हैं। आज हम तुरई की कढ़ी बनाना सीख रहे हैं और तुरई की कढ़ी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तुरई की कढ़ी बनाने के लिए एक तुरई को हम छील के और काट लेंगे और उसकी सब्जी बना लेंगे। और उसमें फिर हम जब कढ़ी बनाएंगे तो एक बड़ी कटोरी हमने थोड़ा खट्टा दही लिया है और ये 2 चम्मच हमने बेसन लिया है। और अब दही और बेसन को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे और इसको रवाई से पूरा मिला लेंगे। इसमें हमको पूरे मसाले नहीं डालने हैं क्योंकि जो हम तुरई की सब्जी बनाएंगे उसमें पूरे मसाले डाल दिए जाएंगे, इसलिए इसमें पूरे मसाले नहीं पड़ते हैं। और अब मैं ये काट लेती हूँ। तुरई को सबसे पहले हम चख लेंगे, भले पीछे से या आगे से, दोनों ही तरफ से एक बार चख लेंगे, मीठी है। और अब हम इसको छील लेंगे। छीलने के बाद हमने इसको धो लिया और धोने के बाद हम इसको छोटा छोटा काट लेंगे, छोटे छोटे पीस, जो जल्दी से इसकी सब्जी बने और जल्दी से ये गल जाए और कढ़ी में वो कड़क कड़क ना रहे। और जहाँ से भी खराब है उस जगह से हम इसको काट देंगे, कहीं से भूरी या कड़वी या कहीं से कुछ खराब होगी तो। अब हम इसको छोंक लेते हैं। सबसे पहले हम तुरई की जो कढ़ी बनाएंगे उसके लिए एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे और जैसे ही ये गरम हो जाएगा, घी गरम होने के बाद में हम राई डाल देंगे, जीरा डाल देंगे और कलौंजी डाल देंगे और थोड़ा सा हींग। जैसे ही तड़का पूरा तैयार होता है तो करी पत्ता और एक लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद में ये कटी हुई तुरई डाल देंगे और इसको पकाएंगे। थोड़ी देर बाद हल्की सी पकने के बाद हम इसमें थोड़ा मसाला डालेंगे, नमक, थोड़ी हल्दी 1/2 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च। जैसे ही ये पकने की स्टेज पे होगी हम देख लेंगे इसको कि ये पकी हुई हो रही है या नहीं। हम काट के इसको देखेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी सी कट रही है, मतलब ये सब्जी करीब करीब बन गई है। और अब हम इस सब्जी में इस वक्त जो हमने दही और बेसन को घोल रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। और उबाला आने तक हम इसको लेंगे। 5-6 मिनट में इसमें बहुत अच्छे से उबाला आ गया है और जो अंदर लौकी थी वो तो पहले से ही पकी हुई थी। और अब 2-3 मिनट इसको और पकाएंगे और फिर गैस बंद कर दूंगी। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ये,
इस तरह से ये तुरई की कढ़ी कंप्लीट होती है। और इस तरह से ये तुरई की जो कढ़ी है ये कंप्लीट हुई। और ये बहुत ही हमारे लिए न्यूट्रिशियस है, क्योंकि कढ़ी में अब तक हम सिर्फ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दही और बेसन ही डालते थे, लेकिन अब जब इसमें सब्जी भी है तो हमें सब्जी के भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं।